जी मैं हूँ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं सिविक सेंटर में, जहाँ पर KDA मजदूर यूनियन CBA के दफ्तर में, जो कि एक गुज़श्ता कई माह से बल्कि कई साल से एक सिलसिला चला आ रहा है कि इनकी चार्टर डिमांड जो है वो अब तक मंजूर नहीं हो पा रही, और इसी हवाले से हमारे साथ चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख साहब मौजूद हैं। अब्दुल मतीन शेख साहब से मालूम करेंगे कि इन्होंने कोर्ट में भी दरख्वास्त दी हुई है, उस हवाले से भी आज सुना है कुछ इनकी हायरिंग हुई है, उस पर कुछ नज़रसानी फरमाई गई है, क्या हुआ है सिलसिला, इस हवाले से चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख साहब से बात करेंगे। जी आज कोर्ट में हियरिंग थी, जिसके जस्टिस हमारे शफी साहब थे, और दूसरे बेंच के अंदर जनाब अदनान सद्दीकी साहब, अदनान करीम मेहमान साहब उसमें मौजूद थे, और वहाँ पे KDA की तरफ से जो वकील गए थे वो मौजूद थे, और हमारे यहाँ से पूरी टीम यहाँ से KDA मजदूर CBA की मौजूद थी वहाँ पे। उसके अंदर जब जज ने इनसे पूछा कि भाई जो कमेंट्स आपसे मांगे पैरवाइज आप लेके आए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कमेंट्स नहीं आए, और उन्होंने पेश नहीं किए, जिस पे जजेस साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया है और कहा कि आपको, क्योंकि अगस्त के अंदर ये CPA दाखिल हुई थी, और आज जो है फरवरी की क्या नाम है 10 तारीख थी, तो अब उसके इतने महीने गुजरने के बाद भी कमिट्स जो कि ऑलरेडी पैरावाइज थे वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो सके, तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे आप नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आप इसको कमिट्स लेके आएँ, और इस केस के अंदर आपने पहले ही बहुत पहले डिले कर दिया है, और अगर आप इसको कमिट्स नहीं करोगे तो फिर आप मुझसे शिकायत मत करना, समझे, ये वहाँ पर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो चार्टर डिमांड है ये मेरा ना है ना किसी और का, ये मजदूरों का है, जो कि 20 साल से जिनको कोई मराहतें नहीं मिली हैं, और जिसके अंदर अगर कुछ मिलेगा तो मज़दूरों को मिलेगा, ताकि उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनके मियार ज़िंदगी बढ़े, उनके बच्चों की तालीम का इजाफा हो, उनकी क्वालिफिकेशन भी इजाफा हो, और जो रिहायशी हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिले। तो एक चीज़ 20 साल से जो लोगों को नहीं मिल रही है, अगर हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं तो लोगों को क्या एतराज़ है। मेरी समझ से बारातर बात है, जो लोग मज़दूरों के दावे करते हैं कि मज़दूरों के हमदर्द दें, मजदूरों के लिए हमारी जान कुर्बान है, लेकिन जब यहां पे आता कि KDA मजदूर ने अगर किसी मजदूरों को फायदा पहुंचाने की बात कर रही है तो वो पीछे से हमें छुरा घोपते हैं, समझे, तो ये अच्छा अमल नहीं है। मैं उन सब से दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के लिए मजदूरों के लिए आप बेहतर सोचें, समझे। बात असल में ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड, मदीन भाई ने 20 साल गए, 20 साल तो सिटी गवर्नमेंट का अरसा 20 से लेस कर दो ना, जिसमें कोई KDA को नुकसान के अलावा कुछ मिला ही नहीं। 93 में दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड, यानी पहले 87 में कराया था 87 में मजदूर यूनियन ने CBA की हैसियत से, फिर 93 में कराया था, उसके बाद से अभी तक तकरीबन 25-27 साल हो गए, मुलाजमीन जो है ना हम अपनी मराहत से महरूम है। हर 2 साल के बाद, ये रूल के मुताबिक अगर चलें तो हर 2 साल के बाद एक CBA मुंतखब होती है, और हर CBA को एक चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर जो है उसका इख्तियार हासिल है कि वो अपनी डिमांड पेश करे और वो मंजूर कराए, हालात को देखते हुए। तो अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि मुलाजमीन जो है वो उनका मराहत क्या, मतलब ये कि 35-35 साल हो गए, लोग रिटायरमेंट के करीब आकर के रोते हैं कि भाई हम रिटायर हो रहे हैं, हमारी तरक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने मुलाजमीन को टाइम स्केल के नाम पर जो है एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जो है ना, जो 6 ग्रेड में और 7 ग्रेड में थे लोग 18-19 ग्रेड में पहुंच चुके हैं टाइम स्केल के नाम पे, लेकिन यहाँ KDA के अंदर वही लोग जो 35 साल और 36 साल की नौकरी कर रहे हैं एक ही जगह पे चिपके हुए हैं, एक ही जगह पे वो अपनी मतलब ये कि वो मुलाजमत पूरी कर रहे हैं, और आ कर के रिटायरमेंट से पहले रोते हैं बेचारे कि खुदा के लिए हमारा कोई प्रमोशन कर दो ताकि हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो जाए, कोई सहूलत हो जाए। इंशाल्लाह जो आज बातचीत हुई है उससे ये है कि वकील साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई अगर ये कमेंट्स आज दाखिल हो जाते तो इसी में जो है हम जज साहब से रिक्वेस्ट करते कि हमें जो है रिलीफ दिया जाए, लेकिन चूंकि कमेंट्स जो है वो लेट हो गए हैं और वो अगली तारीख पर जो है वो जज साहब बल्कि भरम भी हुए KDA वकील से कि आप जो है कमेंट्स क्यों लेट उसमें सबमिट करते हैं जिसकी वजह से केसेस लेट हो रहे हैं, तो अगर आप यही चीज़ें जो है वो पहले तैयार करके डेट पर जो है कमेंट्स दाखिल कर दें तो हमें भी जो है वो फैसले करने में आसानी होती है। लिहाजा आप जो है कभी भी आइंदा आप मोहतात रहें कि कमेंट्स जब आपसे मांगे जाएं तो आप फौरन जो इंतजामिया से कहें कि हमें जज साहब जो हैं वो परेशान करते हैं तो आप क्यों मसले के कमेंट्स लेट करते हैं, तो लिहाजा अगली मीटिंग में इंशाल्लाह हमें पूरी अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है
कि कोर्ट बेहतर फैसला करेगी हमारे। ये दिलशाद साहब जो कि सी बी ए मजदूर यूनियन के जो पैरवी कर रहे हैं केस की, और इसी तरह से आज जो केस सी पी दाखिल की गई थी अगस्त में, और आज उसकी जो है पैरवी की गई, आज उसकी सुनवाई हुई भी, लेकिन ख़ास तौर पर इन्होंने ये भी बताया कि की डी ए की जानिब से जो उस केस की जो पैरवी कर रहे हैं उस पर जज साहब जो है, जज का दो रुकनी पैनल बैठा था, वो काफ़ी नाराज़ हुआ, और ये भी एक उम्मीद की जा रही है बल्कि एक हल्फशार है के डी ए मजदूर के डी ए में काम करने वाले मुलाजमीन में कि हर दो साल बाद जो मरात मिलनी चाहिए थी वो मरात से गुज़श्ता कई बरसों से अब तक महरूम है। इस तरह से चार्टर डिमांड अगर मजदूर होती रहती तो शायद इन तकालीफ का सामना ना करना पड़ता। जी वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।